अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया है और इस बिल में कहा गया है कि अमेरिका में सरकारी तौर पर शी जिनपिंग को चीन का राष्ट्रपति नहीं कहा जाना चाहिए। बिल के मुताबिक चीन में लोकतंत्र नहीं है और न ही जिनपिंग लोकतंत्र तरीके से चुने गए जनता के प्रतिनिधि हैं। इसलिए ये गुजारिश है कि अमेरिका उन्हें राष्ट्रपति कहना बंद करे। वैसे तकनीकी तौर पर गौर किया जाए तो इस बिल में कही गई हर बात सही है, क्योंकि 1980 के दशक से पहले किसी भी चीनी शासक को राष्ट्रपति नहीं कहा जाता था। इतना ही नहीं, चीन के संविधान में तो राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट शब्द का जिक्र ही नहीं है। जिनपिंग के शासनकाल की बात करें तो साल 2012 में जिनपिंग ने सत्ता संभाली थी और यह पद उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के मुखिया होने के चलते मिला था। संवैधानिक तौर पर CCP का चेयरमैन ही सरकार और सेना का प्रमुख होता है, लेकिन जिनपिंग के मामले में ऐसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग ही सत्ता और पार्टी का एकमात्र केंद्र है। वे पार्टी की नई सुपर कमेटीज के चेयरमैन भी हैं, इसलिए इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स उन्हें चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग यानी हर चीज का अध्यक्ष कहते हैं, जिसका दूसरे शब्दों में अर्थ तानाशाह के बराबर ही है। अमेरिका में पेश हुआ बिल ट्रंप की पार्टी के सांसद स्कॉट पेरी लेकर आए। इस बिल को नाम दिया गया नेम द एनिमी एक्ट। पेरी चाहते हैं कि जिनपिंग या किसी भी चीनी शासक को अमेरिका के किसी भी सरकारी दस्तावेजों में राष्ट्रपति के नाम से नहीं बुलाया जाए। बिल में लिखे गए तथ्यों पर गौर करें तो चीन में राष्ट्रपति जैसा कोई पद ही नहीं है। वह कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव होता है और जब हम उसे राष्ट्रपति कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तौर पर चुना गया हो, जबकि चीन में तो लोकतंत्र ही नहीं। आपको बता दें कि स्कॉट पेरी के पहले भी अमेरिका में ये मांग उठती रही कि कम से कम आधिकारिक तौर पर तो चीन के शासक को राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के नाम से संबोधित ना किया जाए। कई आलोचक कहते हैं कि जिनपिंग ही क्यों, चीन के किसी भी शासक को राष्ट्रपति कहने से यह संदेश जाता है कि वह लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है, जबकि हकीकत में वह तानाशाह है। साल 2019 में US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन में लोकतंत्र नहीं, मतदान का अधिकार नहीं, पर ना बोलने की आजादी है। और इतने प्रतिबंधों के बावजूद जिनपिंग को राष्ट्रपति कहना उनकी तानाशाही को मान्यता देना है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।